अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू, जिसकी बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले मैंने कीमे को बॉईल करके रख लिया है। अब मैं कुकर लूँगी, जिसके अंदर मैंने पानी डाला है, लहसुन प्याज टमाटर और कीमा डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक लाल मिर्च और हल्दी। देन मैं इसको वेट लगा दूँगी। 20 to 25 मिनट के अंदर जो है ना, हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह से हला लूँगी, फिर मैं वेट लगा दूँगी। अभी मैंने वेट खोली है, देन मैं चमचे के साथ इसको अच्छी तरह से हलाऊँगी। जो लहसुन प्याज टमाटर था वो मैंने अच्छी तरह से हला लिया है, ताकि वो अच्छी तरह से बीच में जो है ना एडजस्ट हो जाए कीमे। बीच में आप देसी घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ओलिव ओला का और यूज़ करती हूँ। ऑयल जैतून का ये तेल है, ये बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो मतलब कमज़ोर हजरात हैं, जो यानी कमज़ोर हैं, मतलब बच्चे जो कमज़ोर हैं या कोई जवान बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं, उनके लिए माओं को चाहिए कि देसी घी यूज़ करें या यही वाला ऑयल यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। अब मैंने आलू डाल दिए हैं, देन मैं ज़ीरा डाल के, तो मैं सूखा धनिया डाल के, तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और लास्ट में मैं गरम मसाला और काली मिर्च डाल के तो इसको दम दे दूँगी। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। आलू भी गल गए हैं, तो माशाल्लाह से जो है ना ऑयल भी आ गया है बाहर। हमारी हांडी जो है ना वो रेडी हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है, जुम्मे का दिन है माशाल्लाह से। मैं चाय बनाने लगी थी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। मैं डियर टी की पत्ती इस्तेमाल करती हूँ, इलायची और साथ सौंफ और शक्कर डाल के मैं चाय बनाती हूँ। सुबह हो चाहे शाम, चाहे रात, चाहे मेरा बस चले, तो मैं तो चाय की ड्रिपें लगवाने लग जाऊँ। कौन कौन पसंद करता है चाय को कमेंट करें। साथ में सैंडविच बना रही थी, ये आपके सामने मैं अभी सैंडविच बनाती हूँ। उसके लिए मैंने ये कीमा आलू था, इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया चम्मच के साथ भी। मैं नमक और काली मिर्च डाल दी, देन मैं इसको असेंबल करूँगी। ब्रेड पे साथ मायनीज और केचप लगाऊंगी और ये अपना मेज़ा लगा के देन मैं इसको मशीन में रखूंगी। ये दूसरा सैंडविच असेंबल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी साथ खाना था। हमारे सैंडविच रेडी।